हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो रोज़ पर है, जो गुलाब होता है। और कुछ प्लांट ऐसे दिखाऊंगी मैं जो अधिकांश नहीं मिलते, सबके पास नहीं होते, वो रेयर प्लांट होते हैं, वो आज मैं दिखाऊंगी आपको। और उनकी रिपोर्टिंग भी बताऊंगी कैसे करनी चाहिए और कैसी सोयल मीडिया कैसा तैयार करना चाहिए, और ये सब बातें बताऊंगी। और उन पे अगर कीड़ा लगता है किसी तरह का तो उस पे क्या स्प्रे करना चाहिए वो सब भी शेयर करूंगी मैं आपको। देखो, गुलाब दिखाती हूँ, कितने प्यारे प्यारे गुलाब हैं मेरे गार्डन के। कितना सुंदर गुलाब है, ये पिंक कलर का है, डार्क पिंक का, बहुत ही प्यारा है। इसके पेटल देखो कितने प्यारे हैं इसके, ये पेटल जो है कितने सुंदर है। और ये कम से कम 20 दिन पहले खिला हुआ था और अभी भी ये खिला हुआ है। कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और अभी इतना प्यारा लग रहा है। देखो, ये अभी मैंने ये 20-25 दिन पहले जो है खरीदे थे और अब ये तभी भी तब से ये प्लांट पे ये लगा हुआ है फ्लावर। ये देखो, फूल बहुत ही सुंदर है इसका, देखो बहुत ही प्यारा है, बड़ा है और काफ़ी है। और इसके देखिए, ये भी बर्ड्स निकलने वाली है, ये भी पिंक कलर, ये शेड वाला है। ये देखो, इधर से ये शेड दिखाई दे रहा है, इसका शेड वाला गुलाब है, ये भी बहुत प्यारा है। और एक मेरे पास येलो है, ये देखो इसके भी कई सारे खिल चुके हैं, यहाँ से मैंने कट कर दिए। यहाँ भी खिला था और भी नीचे भी खिले हुए थे तो मैंने कट कर दिए, क्योंकि एक बार तो सब पे आते नहीं है। और ये कितने सुंदर सुंदर गुलाब है मेरे पास, सारे कलर मेरे पास है इस समय। और ये छोटा वाला भी लिया था मैंने, ये देखो कितना प्यारा है। छोटे 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 फूल आते हैं गुच्छों में तो बड़े प्यारे लगते हैं। अब इसमें भी ये सूखने लगा और अभी भी देखो, ये भी कितने दिन से है, कम से कम 15 दिन तो इसे भी हो गए लगे लगे इन फूलों को भी, और अभी भी गुच्छों में ये फ्लावरिंग करता है। छोटा सा ही, इतना छोटा सा है, बस इतना छोटा है, इतना प्यारा सा। कई सारे हैं मेरे पास, एक रेड कलर का है, एक ये रेड कलर का है, देखो ये भी कितना प्यारा है। ये भी कम से कम 20 दिन से भी ऊपर हो चुका है और ये जैसे का तैसे खिला हुआ है। ये देखो, दोनों गुलाबी है, कितने प्यारे हैं। और अभी भी कोई भी इसमें देखो कुछ मुरझाया भी नहीं है। और इसके ये पेटल देखो, इसके कितने सुंदर से बने हुए हैं, एक एक पेटल इसका, ये देखो भरा हुआ गुलाब है, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको खरीदना है तो अगर ये मिल जाए तो इसे नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर खरीदना। ये जैपनीज है, जैपनीज रोज, बहुत ही प्यारा है। मैं इसको 20 दिन से लगातार देख रही हूँ और रोज़ देखती हूँ। बस थोड़ा सा अब कलर इसका फेड होना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये काफ़ी रेड था पहले, बहुत ही सुंदर रेड था और थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। बाकी ये ऐसे पेटल इसके खिले हुए हैं और कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर ये मिल जाए तो इसे नहीं छोड़ना, इसको तो ज़रूर बाय करना, क्योंकि 20-20 दिन फूल कहाँ रहते हैं, मैंने तो देखे ही नहीं। मैं तो पहली बार देखा ये अपने पास गुलाब ये। और एक मेरा ये छोटा है, पेड़ छोटा है इसका। अरे देखो, ये बिल्कुल डार्क कलर है, एकदम मैरून, ये ब्लैक जैसा हो जाता है बाद में, ब्लैक तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ डार्क मैरून हो जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, देखो छोटे से पेड़ पर दो आ रखे हैं इसमें, कितना सुंदर है गुलाब, बहुत ही सुंदर है। इस तरह के गुलाब ज़रूर खरीदें, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, मेरे पास कई सारे हैं। और अभी एक ये मैं दिखाती हूँ, अभी खिलने वाला है। ये देखो, ये शेडेड है, ये दो तीन कलर का है, ये भी बहुत ही प्यारा है, रेड में और ये येलो रेड, ये भी खिलने वाला है। तब खिलेगा फिर दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही सुंदर। इस तरह का अगर गुलाब लेते हो तो अगर मिलता है तो ज़रूर खरीदें इसको। और गुलाब प्लांट के लिए मैं सोयल मीडिया बता देती हूँ कैसा बनाना है। इसका जो सोयल मीडिया होगा गुलाब के लिए वो वेल ड्रेन रखना है। उसके लिए हमें एक पार्ट सैंड, एक पार्ट जो ये गार्डन सोयल होती है, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट हमें ये कंपोज रखना है। काउडंग हो या लीफ कंपोज हो या बर्नी कंपोज हो, इनमें से दो हो तो दो डाल दीजिए मिला के, और एक हो तो एक मिला दीजिए, और जो भी है अवेलेबल है आपके पास वो डाल सकते हैं। और चार गमलों के लिए दो चम्मच फंगीसाइड, चार मुट्ठी नीम खली, अगर है फंगीसाइड है तो फंगीसाइड डाल दीजिए, और नीम खली है तो नीम खली भी डाल दीजिए। अगर आपके पास बोन मील है तो चार चम्मच वो भी डाल दीजिए। एक ये जैसे 10 या 12 का इंच का पॉट होता है तो एक चम्मच के हिसाब से आप बोन मील भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो।
और ये जो हम ये डालते हैं ये कोकोपीट, और वो मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर हमने छत में गमले रखने हैं और लाइट वेट हमें अगर चाहिए तो हम कोकोपीट जरूर डालें उसमें, उससे लाइट वेट आता है और छत में जो है हमारे जो है वेट नहीं बढ़ता, तो वो इसलिए। और गमलों में ये मिट्टी भी इसकी अच्छी तैयार होती है, इसलिए मैं इसमें कोकोपीट जरूर डालती हूँ।